कर रही हो? क्यों बज रहा है? टाइम क्या हुआ? 10:11। चैनल और वाओ दिख ही रहा होगा आपको, टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। और ये वाइट वाइट जो स्नो ब्लैंकेट चादर, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो देख के पता चल ही गया होगा कि हम स्नो, जर्मनी के स्नो के वीडियो बनाने वाले हैं। ये जो वीडियो है, आई थिंक मैं पहला वीडियो अपने चैनल पर डाल रही हूँ स्नो का, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस वीडियो को वायरल कर दो गाइस, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली हूँ। एक ड्राइव पे लेके जाने वाली हूँ, जहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा टाउन है वो स्नो में कैसा हो जाता है। और द बेस्ट पार्ट इज कि इस बार हमारे जो टाउन है उसमें स्नो दिसंबर का फर्स्ट डे जो था उसमें पड़ गई थी। ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट स्नो इन जर्मनी डाला है टाइटल, पर ये सेकेंड डे है क्योंकि पहला वाला वीडियो मैं ले नहीं पाई थी। बट आज बहुत सुंदर हो रहा है क्योंकि स्नो नहीं हो रही है और जो दिन है वो थोड़ा सा ब्राइट है, मतलब थोड़ा अच्छा सा दिन है। तो मैं आपको चलते चलते कुछ चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पर जर्मनी में जो हमारा, जहाँ हम साउथ एरिया में रहते हैं, वहाँ पर स्नो पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही कभी कभी पड़ती है। आप देख ही रहे हो, ये देखो मेरे पैर जो है वो यहाँ तक है। पर एक सरप्राइजिंग बात ये है कि जो पिछला सीज़न विंटर सीज़न था उस टाइम पर स्नो नहीं पड़ी थी। एंड मैं और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो स्नो का वेट कर रहे थे और हमने पूरे सीज़न स्नो नहीं देखी, बट इस बार लकीली हमने स्नो देख लिया। ओके गाइस, हां तो मैं आपको बता रही थी, बट पहले मैं व्यू दिखा दूं जरा स्नो। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये हमारे ही सिटी में एक एरिया है जहां पर, जहां से पूरा पहाड़ दिखता है। आ जाओ, लेट्स गो एंड वॉक। जो अभी पहाड़ नहीं दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है पूरा, बट दिस इज एक्चुअली पहाड़ जो यहां से इस जगह से दिख रहा है। और दीपक कैसा लग रहा है तुम्हें स्नो में वॉक करते हुए? मुझे तो खैर एक्चुअली टॉर्चर ही लगती है स्नो, लेकिन यहाँ पर मतलब आज ज्यादा स्नो हो ना तो बहुत मजा आता है, देखो सॉलिड। वरना कम स्नो होती है ना तो बहुत गंदा सा, किचकिचा सा हो जाता है और आइस फॉर्म हो जाती है, वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, गीला गीला हो जाता है, लेकिन आहा व्यू तो अमेजिंग है। अच्छा, एक्सपीरियंस करने लायक है। एक चीज और बताओ, जैसे यहाँ रोड्स पे स्नो होती है तो ऑफ कोर्स इंडिया में स्नो नहीं पड़ती, तो हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि यहाँ पर फिर गाड़ियाँ कैसे चलती हैं स्नो में, फिसलती नहीं है क्या? ये गलत है कि इंडिया में स्नो नहीं होती, इंडिया में स्नो होती है, मतलब जहाँ हम हिमाचल और अपना नॉर्दर्न पार्ट में, एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन यहाँ पे रोड्स को क्लीन करते हैं रेगुलरली, यू नो ट्रक्स, इनके गवर्नमेंट ट्रक्स रहते हैं, वो रेगुलरली रोड्स को क्लीन करते हैं, उसको सॉल्ट स्प्रे करते हैं। और फिर यहाँ वो समर टायर और विंटर टायर का कॉन्सेप्ट तो है ही कि आपको जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं विंटर टायर लगाने, क्योंकि उनकी ग्रिप बेटर होती है रोड पे, ग्रिप लूज़ नहीं करते वो विंटर में, इसलिए विंटर टायर तो बहुत नेसेसरी है। अभी हमने टायर चेंज किए हैं गाड़ी के, आपको दिखाएंगे विंटर टायर। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है हर दिन जो ये जो स्नो है उसे साफ करती है, जो भी वॉकिंग एरिया होता है वहाँ पर स्नो साफ करती है। तो आज हमारा जो जगह है जहाँ हम रहते हैं अपार्टमेंट के सामने, स्नो ही स्नो थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब
जो गाड़ी है उसने साफ पूरा क्लीन कर दिया, तो दैट्स द अमेजिंग थिंग। बट स्नो में वॉट तो लगती है बिकॉज अभी बहुत ठंड हो रहा है, मेरे हाथ जो है वो बहुत ज्यादा मतलब हाँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, नाक वाक सारी लाल हो रही है लेकिन उतनी ठंड नहीं लग रही जितनी देखने में लगती है। स्नो की सबसे अच्छी बात ये होती है जिस दिन स्नो पड़ती है उस दिन ठंडा नहीं होता है और उसके अगले दिन जो है वो बहुत ज्यादा चिलिंग जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। अभी आज जो है वो कुछ 0 degree टेम्परेचर है पर मुझे ऐसा लग रहा है माइनस फील है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और ये देखो पेड़ों के ऊपर स्नो। बटन भी नहीं दबा। अब चलते हैं ड्राइव पे थोड़ा लॉस गेट्स और देखते हैं कि यहाँ की रोड्स और आसपास कैसा माहौल होता है। वैसे आप लोग ज़रूर कमेंट करके दिखाना कि स्नो देखना आपको अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि जब मैं पहले सीज़न में मुझे बहुत अच्छा लगा, सेकंड में भी बहुत अच्छा लगा, इस बार फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा। पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको अच्छा लगता है स्नो देखना या स्नो में रहना? बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे जगह रहते होंगे जहाँ स्नो पड़ती होगी, तो ज़रूर नीचे कमेंट करना। दीपक हाँ यार अच्छा क्या अच्छा स्नो में रहना? स्नो में रहना यार देखो मैं वही बोला ना, दो चार दिन का मजा आया फिर तो सजा है, ये मेरा सोचना है। सिटी सेंटर एरिया है यहाँ देखो, और जैसे ही हम ड्राइव करते करते अपने टाउन के आसपास आए, हम वहां पर थोड़ी हाइट पे थे, देखो सफा सट, ये सिटी सेंटर है बिल्कुल, तो थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा, पोल्यूशन भी ज्यादा और थोड़ा इसकी हाइट भी कम है कंपैरेटिवली, तो यहां पर कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है नॉर्मल, बस गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी 2 मिनट की डिस्टेंस पे थे हम। हाँ, 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही यहाँ पर इतना, लेकिन अगर आप अब उस तरफ जाओगे देखो हाइट पे पेड़ों पे अभी भी स्नो दिख रही है। यहाँ तो फुटपाथ पर भी नहीं है कुछ भी। हाँ हटा दिया होगा ये, मैं बोल से तो नहीं, इतना क्लीन नहीं करते एब्सोल्युटली, और यहाँ तो है ही नहीं, इतनी मेल्ट हो गई होगी प्रोड्यूशन, बहुत सारे रीजन है। और अब आपको पता चला होगा ऐसे घर क्यों होते हैं यहाँ, क्योंकि बर्फ इतनी पड़ जाती है ना इन पे कि छत लोड ना ले पाए, इसलिए बर्फ खिसक जाती है। ये तो अपने यहाँ भी होते हैं जहाँ पे ज्यादा स्नो होती है इसी टाइप के, कॉमन वो है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ एक तरीके से होते हैं ना, एकदम पूरे सारे ही ऐसे होते हैं। We'll be right back.
दीपक, ठंड की वजह से कॉफी हो? कॉफी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। दीपक ये कौन सी दुनिया है, यहाँ तो स्नो थोड़ी बहुत ही दिख रही है। नहीं पर ठंडा तो है, पर ठंडा फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। 0 degree टेम्परेचर है जबकि फील ही नहीं हो रहा कि क्योंकि अपन वहाँ इतनी सर्दी से आए ना कि अब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो दुनिया है, ये ज्यादा अच्छी दुनिया है विदाउट स्नो। हमारे मोहल्ले में, ये हमारा मोहल्ला है, स्नो पता नहीं कहाँ चली गई तो खा ले इसे। कई लोगों से ये भी क्वेश्चन होते हैं, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते स्नो? हाँ खा सकते हैं, आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों को खा डाल के ट्राई करेंगे। हाँ वही हमारे यहाँ वो जो मिलता है ना बर्फ का गोला, यही वाला तो होता है, उसे किस दे क्या हुआ ये देखो, अब हम हमारे घर में घुसते हुए। अब हम लोग घर पे आ गए, मेरी कॉफी कहाँ है? I don't know. ये मेरी नहीं है, ओके मेरी ये है। तो अब इट्स टाइम टू गो टू द क्लासेस, तो अब हम मैं तो जा रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, वायरल कर दोगे, मतलब शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, फ्री है बिल्कुल, और लाइक करोगे और कमेंट करोगे कि क्या सबसे अच्छा लगा वीडियो में और क्या देखना चाहते हो, उसके फीडबैक दोगे। दीपक तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। देखो हम पूरे लाल हो चुके हैं बाहर से आके, तो हमारी मेहनत जो है उसे साकार करने के लिए, सही बोला क्या हिंदी? यस yes. मेहनत जो है वो साकार करने के लिए आप प्लीज़ वीडियो जो है वो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसमें और भी कुछ अच्छी बातें बताऊँगी मैं यूरोप और जर्मनी के बारे में। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को, अगर कोई नए लोग आने वाले हैं, उन्हें पहले से ही पता हो इस जगह के बारे में, इस जगह की सारी चीज़ों के बारे में। तो लेट्स Bye-bye! Let's take a ride, let's take it. You stink about it, you want it. Fall in love, you love it. You can't control it. You make me feel something more stronger. Something that I may never fall.